कैमरे में देखो, यहाँ पे देखते हैं किशन कौन इतना एक्साइटेड है अवार्ड के लिए। पहली बात तो लाइक रमज़ान से जुड़े हुए मेरे ख्याल से 2-3 साल हो चुके हैं और रमज़ान ने जब ये बताया कि सर ऐसा ऐसा करना है, 2 अवार्ड ह्यूमैनिटी अवार्ड और 1 प्रेस्टीज अवार्ड, तो रमज़ान की जब बात थी कि लाइक सर सोशल वर्क के लिए कुछ करना है, पर सोशल वर्क के लिए सभी करते, जैसे शैलेश सर ने भी बोला कि पॉलिटिशियंस इसमें नहीं है या बाकी की कोई जो चीज़ें हैं जो शो ऑफ करते उनको न लेते हुए जिन्होंने सच में जो काम किया है उनको हम लोग ये अवार्ड दे रहे हैं। और रमज़ान ने मुझे फ़ोन करके बोला कि मुझे इसका लॉन्चिंग करना है अवार्ड फंक्शन का, तो मैंने बोला सबसे अच्छा दिन है क्योंकि हम बोलते हैं कि कोई भी नई चीज़ की शुरुआत करनी हो तो गणपति का नाम ज़रूर लेते हैं, तो रमज़ान ने ये दिन चूज़ किया है आज का दिन और ये बहुत ही अच्छा दिन है। और रही बात अवार्ड फंक्शन की, तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, थोड़ा डिले हो गया क्योंकि गवर्नमेंट रेगुलेशंस अभी भी क्लियर नहीं है ऑडिटोरियम्स को लेके। हम किसी से पैसे ले रहे हैं और हम उनको दे रहे हैं, हम उन लोगों को दे रहे हैं अवार्ड जिन्होंने आगे बढ़ के बिना अपनी परवाह किए लोगों की मदद की है। मैं भी गई हूँ रमज़ान के साथ में, मंदार भी चले हैं मेरे साथ में, तो हमने किया है काम, तो हम चाहते कि हम उन लोगों को अवार्ड से फेलिसिटेट करें कि जिन्होंने हमसे भी ज़्यादा काम किया है पैंडेमिक में। और कि अपनी जो होप मिरर फाउंडेशन जो एनजीओ है, तो वो मैंने लास्ट ईयर ही स्टार्ट, जैसे लॉकडाउन आया था तो मैंने उसका स्टार्ट किया था और एक मैंने अच्छे से संस्था बनाकर उसका काम चालू कर दिया था। फिर 15 जून को उसका रजिस्ट्रेशन हुआ, मतलब उसका 1 साल को अभी 15 जून को 1 साल उसका हो गया, तो हमने 15 जून को अवार्ड फंक्शन का प्लानिंग किया था जो अपने इसके सेरेमनी पे 1 साल के एनिवर्सरी पे, बट लॉकडाउन के कारण हमें वो आगे पोस्टपोन करना पड़ा, वो टाइम पे हुआ नहीं वो, तो फिर वो आगे देखते देखते हम आगे और लेके आए, सितंबर का प्लान किया, फिर वापस लॉकडाउन का कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, तो फिर हमने और आगे सोचा कि एक ही बार अभी जैसा मौका मिल रहा है तो हमने सोचा अक्टूबर हम करते ही है, तो फिर मैंने गोल्डन ह्यूमैनिटी अवार्ड और गोल्डन प्रेस्टीज अवार्ड दोनों अवार्ड का हमने सोचा। गोल्डन ह्यूमैनिटी अवार्ड की कैसा है कि इसमें नाम में आपको पता चलता होगा ह्यूमैनिटी अवार्ड आ गया है, तो मतलब जिन लोगों ने सोशल वर्क किया है, ना सिर्फ लॉकडाउन में पहले भी किया है या फिर और भी आगे मतलब अच्छे काम कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं, तो इसमें अभी जैसे हमारे इसमें एक ऑस्कर विनर है जो दिल्ली के, उनको भी हमने अवार्ड देने का सोचा है, एक पद्मश्री अवार्ड जिनको मिला है सर उनको भी हमने, मतलब ये जो अवार्ड है इसे लगभग सब हो गए, बाकी जिनको और भी कुछ है वो हमें email ID पे या नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी अभी इसके बाद शेयर होगा, हमारे इंस्टा पेज है, वेबसाइट है, जो भी हर जगह शेयर हो जाएगा। और गोल्डन प्रेस्टीज अवार्ड जो है तो बेटर ज़्यादा हमारे शैलेश भाई देख रहे हैं उसके बारे में कि कैसे हैंडल करना है, कि सब कुछ मैं हैंडल करूँ, तो शैलेश भाई भी हमारे एनजीओ का पार्ट है, वो भी हमारे एनजीओ का एक बड़ा हिस्सा है। आज तक जो हमारे एनजीओ यहाँ पे थोड़ा सक्सेसफुल बनते आ रहा है, जो बोलते हैं एक पिक पॉइंट मिला है, उतना अच्छे का उछाल आई है, तो उनका उसमें बहुत हाथ है, जिनको लॉकडाउन में बहुत बार जब भी फोन किया भाई क्या है करना है, हमेशा वो आगे बढ़ेगा, भी देखा नहीं कि लॉकडाउन है कुछ मसला है या फिर बीमारी चालू है, सोचा नहीं हमेशा साथ है कि हक सिर्फ बड़े लोगों को मिलता है, हक सिर्फ उसी को मिलता है जिसका नाम होता है, लेकिन हम उनको नाम देंगे जिनका नाम कहीं पर भी नहीं है, हम उसको लाएंगे। रमज़ान जैसे कोविड में मैंने उन लोगों के साथ में काम किया, जो एक रिक्शा ड्राइवर था, उसने मुझे बताया कि भाई यहाँ पर लोगों को राशन नहीं है, मैंने और रमज़ान ने अरुणा जी ने उनको मदद तक पहुँचाई, तो उस रिक्शे वालों को मैं दूंगा, मैं उस ड्राइवर को दूंगा जो लॉकडाउन में हमारी अरुणा जी की और शादा भी अपना शादा पापा और रमज़ान के लिए जो बुरे समय पर आया, मैं उसको अवार्ड दूंगा। मैं उन लोगों को दूंगा जिन्होंने पब्लिक को जमा किया, क्योंकि पब्लिक जमा करना आसान नहीं होता, अकेला इंसान आ सकता है, पब्लिक को जमा करने के लिए समय लगता है, तो मैं उसी लोगों को लाऊंगा जिसने मैनेज किया है, जो लोगों को जोड़ा है बुरे समय में, उन लोगों को मैं दूंगा। लोग यहाँ पर बोलते हैं कि मैं अच्छा है वो है, अच्छा नाम है, अच्छा है, मैं आपको ये नहीं बोलता हमारा नाम अच्छा है, हमारा काम अच्छा है, आप देखिए समझिए, अगर आपको सही लगता है हमारा काम अच्छा है, हमारी वेबसाइट पर देखिए, हमारे फेसबुक पर देखिए, अगर आपको लगता है हमारा काम अच्छा है तब हमको मेल करिए, कॉल करिए, मैसेज करिए और अपना प्रोफाइल भेजिए, अगर प्रोफाइल अच्छी है तो इंशाल्लाह हम लोग उसको अवार्ड वगैरह देंगे उसमें और नाम और सम्मान देंगे। तो भेजने उसने क्या किया, खुद नहीं गया वो खुद नहीं गया, उसने मैं आपके साथ में हेल्प करूंगा आपकी, मैं लोगों को भेजने के लिए उसके बाद जाऊंगा, तो उसने पहले जो बाकी लोग थे उनको भेजा, सब गया, फिर उसके बाद हो गया। और आज भी बंदा वो अपने गांव में भी अच्छे काम कर रहे हैं, एनजीओ बनाकर इधर भी वापस आकर इधर भी काम कर रहा हो, तो ऐसे लोग जो सच में बोलते हैं ना डाउन टू अर्थ जो लोग आए, जिन्हें सच में जज्बा इसमें कुछ काम करने का, मतलब ऐसा नहीं, देखो पैसा होना बड़ी बात है, पैसा सबके बाद होता है, लेकिन वो अच्छे काम डालने की नीयत होनी चाहिए, कि मैंने बहुत देखा हो, तो वो बंदे का क्या था, मतलब मैं खुद चला जाता अपना सेफ हो जाता, नहीं गया नहीं वो, उसने क्या बोला नहीं पहले सबको भेजूँ उसके बाद गया, तो ऐसे लोग ढूंढ के मैं जमा कर, ये अपना एक मोटिव है मेरा कि भाई सच में लोगों को सम्मान किया जाए कि वो आगे और काम कर सके वो लोग। कि होप मिरर फाउंडेशन के साथ हम जुड़े हैं। एज़ यू नो कि हम सारे फाउंडेशंस के साथ जुड़े हैं इन इंडिया, इन मुंबई, तो मैं साथ साथ इन्हीं के साथ भी जुड़ी हूँ और हम प्रेस्टीजियस अवार्ड कर रहे हैं ताकि लोगों को पता चले कि जो मानव सेवा करते हैं उनको भी अवार्ड रिवॉर्ड मिलना चाहिए। अल्लाह भगवान तो अवार्ड देता ही है, पर हम भी उनको अगर हम एक्नॉलेजमेंट देते हैं तो बहुत इनसाइड से उनको बहुत खुशी होती है कि कोई उनको फेलिसिटेट कर रहा है, उनको वेलकम कर रहा है। एंड उनकी मानव सेवा के बारे में लोगों को पता होना चाहिए कि आप क्या सेवा कर रहे हैं। तो मैं मानती हूँ कि इंसानियत की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है और मैं आप लोग सबका प्यार और बस ऊपर वाले का आशीर्वाद और मेरी माँ का आशीर्वाद से मैं चलती हूँ। शुक्रिया। अरुणा मैम, जैसे मैंने इंट्रोड्यूस किया, आपने लॉकडाउन में बहुत ही लोगों की मदद की, वैसे ही होप मिरर फाउंडेशन ने भी लोगों की बहुत अवार्ड है, उसके बारे में बताइए। हमारे पहली बात तो मैं रमज़ान जी को होप मिरर फाउंडेशन की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। ये रमज़ान जी का होप मिरर फाउंडेशन का पहला अवार्ड है और ये गोल्डन ह्यूमैनिटी अवार्ड, मैं उसका एक हिस्सा हूँ और ये अवार्ड खाली उन्हीं को दिया जा रहा है जो कोरोना के समय में जिन्होंने बहुत सोशल वर्क किया है। और मैंने होप मिरर फाउंडेशन के साथ हमने ट्री प्लांटेशन किया है और पुलिस लोगों को पानी और ये समोसा बांटा है और अम्ब्रेलास वगैरह दिए हैं, बुक्स वगैरह दिए हैं। तो हमने इनके साथ, मैं लाइफ एंड फाउंडेशन की फाउंडर हूँ, मैंने रमज़ान जी के साथ बहुत सारा काम किया है कोरोना के समय में और ये पहली बार इनका अवार्ड आ रहा है और मैं इनके लिए इनको बहुत बहुत मुबारकबाद कहना चाहती हूँ। सदत मैम, आपसे जानना चाहूँगा, गोल्डन प्रेस्टीज अवार्ड भी जो है बहुत सारे लोगों को दिया जा रहा है, थोड़ा सा अगर हमारी ऑडियंस को बताए कि किस बारे में होगा ये अवार्ड। ये प्रेस्टीजियस अवार्ड जो है जो मानव सेवा कर रहे हैं और लोगों को पता होना चाहिए कि मानव सेवा इज़ योर करम एंड धर्म एंड इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि सभी को फेलिसिटेट हो और एक्नॉलेजमेंट मिलनी चाहिए जो सेवा कर रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि हम सब फाउंडेशंस के साथ मिलते हुए और साथ साथ रमज़ान शेख को बहुत सारी ब्लेसिंग्स सदर शेख की तरफ से, और हम सारे फाउंडेशंस के साथ जुड़े हैं और हम चाहते हैं कि सबको एक्नॉलेजमेंट मिले और जो मानव सेवा कर रहे हैं उनमें सभी को लोगों को पता चले कि सेवा ही आपका धर्म है। शुक्रिया। अरुणा।